साथियों, क्या आप जानते हैं कि भारत के अनेक पड़ोसी देश चीन के बनाए हुए जाल में फंस चुके हैं। अब नेपाल की तरह पाकिस्तान ने भी नया राजनीतिक नक्शा जारी करते हुए भारतीय इलाकों जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख और यहां तक गुजरात के जूनागढ़ को भी अपने नक्शे में शामिल किया है। पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान सहित पूरे जम्मू कश्मीर, जिसे वो अब तक आज़ाद कहता था, उसे पाकिस्तान का बनाकर नक्शे में दिखाया है। इससे पहले नेपाल ने भी देश का नया राजनीतिक नक्शा जारी करते हुए भारतीय क्षेत्रों को अपने में शामिल कर लिया था। भारत ने कहा, इन हास्यास्पद अभिकथनों की न तो कोई कानूनी वैधता है और न ही कोई अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता। असल में इस नए प्रयास से सीमा के उस पार आतंकवाद के जरिए क्षेत्रीय विस्तार की पाकिस्तानी सनक की ही पुष्टि होती है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को आईएमएफ के कर्ज से भी दोगुनी राशि यानी दुगुनी राशि चीन को चुकानी है। वो चीन के कर्जे के बोझ से दबा हुआ है और ये रकम अब लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के वफादार दोस्त, जिसे वो वफादार कहता था, चीन ने उसकी अर्थव्यवस्था को लगातार कर्ज के बोझ में फंसा लिया है। ये रकम लगातार बढ़ती जा रही है। कर्ज के चलते पाकिस्तान के सामने फॉरेन एक्सचेंज, इसका तक संकट अब आ खड़ा हुआ है। आईएमएफ के मुताबिक पाकिस्तान को जून 2022 तक चीन को 6.7 अरब डॉलर की रकम चुकानी है। ऐसे में अगर पाकिस्तान कर्ज नहीं चुका पाता है तो चीन उसके हिस्से पर कब्जा भी कर सकता है। आपको बता दें कि बीते साल सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने पाकिस्तान को उन 8 देशों में शामिल किया था जो बेल्ट एंड रोड, यानी जो चीन इस समय रोड बना रहा है पाकिस्तान में और ग्वादर पोर्ट तक ले जा रहा है, इसी तरीके के जो बेल्ट एंड रोड प्लान जो चीन के हैं, उनके चलते कर्ज के संकट में फंसे हैं। ऐसे 8 देश हैं। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ पाकिस्तान के मेयर बुरजिन बागमर ने कहा है कि यह पूरी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ ही गया है। पाकिस्तान का पड़ोसी आप जानते हैं ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान के हिस्से पर चीन कब्जा कर चुका है। 2011 में उसने ताजिकिस्तान को मजबूर कर दिया था कि वो उसे पामीर की 1000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर भी कब्जा दे दे। अब उसकी नज़रें बाकी बचे हुए क्षेत्र पर हैं। ताजिकिस्तान को कर्ज में फंसाकर चीन पामीर खरीदने की भी कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की तरह ताजिकिस्तान को भी 2017 में बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में शामिल कर चीन ने फंसाया था। उस देश में 350 से अधिक चीनी कंपनियां अभी भी काम कर रही हैं। इस साल तक ताजिकिस्तान का आधे से ज़्यादा कर्ज बीजिंग द्वारा ही दिया गया है, जो कि इस देश की जीडीपी का 45.9% से भी अधिक है। अब पाकिस्तान का नंबर है। नेपाल पर अभी तो चीन डोरे डाल रहा है, श्रीलंका को भी उसके हम्बनटोटा प्रोजेक्ट के कर्ज के जाल में चीन ने फंसा रखा है, लेकिन श्रीलंका ने भारत से मदद मांगी और भारत को उसे जाल से निकालने में मदद करनी पड़ रही है। दरअसल चीन उन्हीं देशों को फंसा रहा है जो कमजोर हैं तथा जो पहले भारत के हिस्से ही थे अथवा भारत के पड़ोसी हैं, जिनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव शामिल हैं। ये सभी देश नेपाल के जाल में या तो फंस चुके हैं या निकट भविष्य में फंसने वाले हैं, क्योंकि चीन लगातार इन्हें फंसाने में लगा हुआ है। भारत को भी अपनी विदेश नीतियों में बदलाव कर इन देशों को सावधान करना होगा। यह भारत की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है और इन देशों की समय पर मदद भी करनी होगी। इन देशों को भी चाहिए कि वह भारत का पूरी तरह सहयोग करें और भारत से मदद लें, तभी वो
चीन के पंजे से बच पाएंगे। साथियों अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।